भारत के प्रधानमंत्री कहां गई आपकी मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत, जब कर्नाटक में बच्चियां आपकी सरकार उन बच्चियों को हिजाब और निकाब पहनने से स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रही हैं। कहां गई आपकी मोहब्बत कि हमारी बेटियों को सरेआम उनके कपड़े उतारे गए, बुर्का उतारा गया रोड पर, जब आपको मोहब्बत नजर नहीं आई? और आपकी मोहब्बत कहां गई जब आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में एक पैसा नहीं दिया? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम, हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठा वादा किया, उत्तर प्रदेश की सरकार को 40% हिस्सा देना था, नहीं दिया। कहां गई आपकी मोहब्बत प्रधानमंत्री जब CAA के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया? ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज थे उन्होंने कहा। वाह प्रधानमंत्री वाह, गोबर से दौलत निकलेगी है। और वो सांड और वो आवारा पशु एक रात में पूरी किसान की दौलत को खा के चले जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बोले खाने दो मैं गोबर से निकालूंगा। वाह प्रधानमंत्री क्या दिमाग है आपका। आप बताइए एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा? एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भाई मसला क्यों पैदा हुआ, 2017 से आपने इस मसले को पैदा किया। और फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाए या देश का नमक खाए? किसका नमक खाए आप? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए? प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने, आप किसी और का नमक नहीं खाएं। अगर खाएं तो बताइए हमको किसका नमक खाए आप। प्रधानमंत्री बोल रहा, बताइए प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी में भराता हूं, मोटरसाइकिल में डालता हूं, तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है? अगर एक गरीब महिला एक बिस्किट का पैकेट खरीदती अपने भूखे बेटे या बेटी को खिलाने के लिए, तो उस कीमत से GST मिलता है। और प्रधानमंत्री बोल रहे मैंने बड़ा एहसान किया। कुछ एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि रोजगार नहीं मिला उत्तर प्रदेश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश के रोजगार का BJP ने 5 साल पहले कहा था 70 लाख लोग नौजवानों को युवाओं को नौकरी मिलेगी, सिर्फ 3 लाख को देने का झूठा दावा करते। किसान परेशान है, गरीब परेशान है, वो नौजवान जो रात रात भर महीनों पढ़ता है, गांव से निकलकर शहर जाकर एग्जाम लिखता है, तो योगी की सरकार कहती है एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो गया। और योगी कहते हैं कि माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया। अरे कहां भागा, जो हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई वो किसके घर का दामाद था, कौन क्रिमिनल था वो? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं की सरकार में यहां पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हमने उसको बात को उठाया क्या? समाजवादी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया उसको, हम पर मुकदमा बुक हो गया। हम तैयार हैं जेल को जाने के लिए, हम तो मौत के लिए भी तैयार हैं, मगर सच्ची बात करना, गरीबों को उनका हक दिलाना, यह हमारी लड़ाई थी है और रहेगी इंशाल्लाह। हम आखिरी बात आपको बताकर रुखसत हो रहे हैं। आज से 65 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन दखन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किया था। हम कोई नवाब खानदान के नहीं है, हम कोई बड़े खानदान आला जात के नहीं है, हमारे आबोजदाद गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, मगर उनमें एक जज्बा था, जज्बाती थे, जिद्दी थे, उनको अपनी मंजिल यह नजर आई कि भारत के संविधान में हम सियासत में हिस्सा लेंगे, हम नेताओं को बनाएंगे, सियासी ताकत हासिल करेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हमने काम किया। आज हम पर इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं कि मजलिस ओवैसी के भाषण में जज्बाती नौजवान आते हैं। 65 साल पहले भी ऐसी गालियां दी गई थी, मगर आज तारीख गवाह है कि उन्हीं जज्बाती लोगों ने, उन्हीं गरीबों ने और रिक्शा वालों ने आज मजलिस को मुकाम अता किया कि एक दीवाना हैदराबाद से आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात की बात कर रहा है। तो ये लड़ाई आपकी है, हम और कुशवाहा साहब मिल चुके हैं आपको हिस्सा दिलाने के लिए। क्या आप सपा से डरेंगे? क्या आप योगी मोदी BJP बसपा से डरेंगे? और अगर इंसान है, डर होता है बाज वक्त, तो जब डर होता है तो उस बच्ची को याद रखो जिसको 25 हैवानों ने घेर लिया था,
जिसके सर पर हिजाब था उसको घेर लिया, तो उस बच्ची ने कहा कि जब मुझे डर होता है मैं क्या नारा लगाती हूं। वो नारा लगाओ, वो जबान पर लाओ उस कलमे को, उस जुमले को, और हिम्मत कर अपने हौसले को बुलंद रखो। आपको अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाना है, ये आपको अपना नेता बनाना है। यही चंद बात हम आपसे कहकर रुखसत होते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।